Hey guys, namaste to all, including my fellow Kannadigas. आपको पिक्चर से तो पता चल ही चुका होगा कि हम किस ब्यूटीफुल ट्रेवल डेस्टिनेशन की बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं मैसूर की। क्वेश्चन इज व्हाई मैसूर? उसके लिए आपको मैसूर के बारे में जानना जरूरी है एंड अटैच टू हिंदू कल्चर। मैसूर, या इसे हम कल्चरल कैपिटल ऑफ कर्नाटका भी कहें तो गलत नहीं होगा। मैसूर इज लोकेटेड इन द फुटहिल्स ऑफ चामुंडी हिल्स इन द सदर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ कर्नाटका। जी हाँ, ये चामुंडी हिल्स पर्वत श्रृंखला के नीचे तलहटी में मौजूद एक शहर है। ये बैंगलोर के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है कर्नाटका का। ये कैपिटल सिटी ऑफ किंगडम ऑफ मैसूर भी रह चुका है, वो भी 6 दशकों तक। दिस किंगडम वॉज रूल्ड बाय वाडियर डायनेस्टी वाडियर्स, जो कि बहुत ही ज्यादा आर्ट और कल्चर के प्रति जागरूक थे। उन्होंने पूरा का पूरा जो मैसूर की आज देन है वो इन्हीं लोगों के कारण है। सिविल पार्टीशन भी इसी कार्यकाल में आया। फेमस चीजें मैसूर की आपने सुनी होंगी, जैसे मैसूर का दशहरा, मैसूर की पेंटिंग, स्वीट डिश ऑफ मैसूर पाक, मैसूर मसाला डोसा और बेने मसाला डोसा भी कहें, मैसूर पीटा, ट्रेडिशनल मैसूर टर्बन जो कि यहाँ की एक ट्रेडिशनल पगड़ी होती है, और मैसूर की सिल्क साड़ी तो आप जानते ही होंगे। एंड मैसूर इज ऑल्सो नोन फॉर स्पेशल वेराइटी ऑफ जैस्मिन फ्लावर्स, जिन्हें हम मैसूर मल्लिगे भी कहते हैं, और यहाँ का पान का पत्ता भी बहुत ही फेमस है। और भी कुछ इम्पोर्टेंट ट्रेवल डेस्टिनेशन हैं जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने चाहिए जब आप मैसूर जा रहे हैं। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट माई एक्सपीरियंस दैट आई फेल्ट व्हेन रिसेंटली वेंट टू मैसूर फॉर 2 डेज ड्यूरिंग दशहरा फेस्टिवल। जी हाँ, दशहरा में 2 दिन के मैसूर ट्रिप के बारे में बताऊंगा, यहाँ पर आपको मैसूर में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या देखना चाहिए और क्या बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। 2 पॉइंट्स पर पूरा का पूरा मैसूर की ट्रिप बताऊंगा। जी हाँ, फर्स्ट पॉइंट इज हाउ टू रीच मैसूर इंक्लूडिंग द एकोमोडेशन एंड जर्नी, एंड सेकंड व्हाट टू डू इन मैसूर इंक्लूडिंग फूड एंड टूरिस्ट अट्रैक्शन। तो अब सवाल होता है मैसूर की डेमोग्राफिक लोकेशन का। जी हाँ, आप मैसूर कैसे पहुंच सकते हैं? देखिए, मैसूर इंडिया की जानी मानी जगह है और कर्नाटका की दूसरी सबसे बड़ी सिटी है, और यह बहुत ही अच्छी तरीके से रेल, रोड और एयर नेटवर्क से जुड़ी हुई है। उसे लगभग 170 किलोमीटर दूर है। यदि बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, तो फ्रॉम बैंगलोर टू मैसूर द रेल फेयर इज ऑलमोस्ट 100 रुपीज। टीसी KSRTC बस से जाना चाहेंगे तो टिकट्स भी इजिली अवेलेबल होती हैं फ्रॉम 600 रुपीज। दशहरा के टाइम पे थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट द टिकट्स आर इजिली अवेलेबल। के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर एकोमोडेशन आप पहुंचकर आसानी से ले सकते हैं। यहाँ पर एक दूसरा भी एक लोकेटेड आइलैंड है जिसे हम श्रीरंगपटना बोलते हैं। जी हाँ, जब टीपू सुल्तान मैसूर से भागा तो उसने श्रीरंगपटना में एक अलग से ही आइलैंड बना लिया। तो ये पूरा का पूरा श्रीरंगपटना है। इसी के पास वृंदावन गार्डन है और यहाँ पर भी कुछ देखने के लिए टेम्पल्स हैं। तो आप मैसूर 3 तरीके से पहुंच सकते हैं, वाया बस, वाया ट्रेन या वाया प्लेन। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमारा फर्स्ट विजिट लोकेशन था चामुंडेश्वरी देवी टेम्पल। जी हाँ, गेट लाइट ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग और एक बस लीजिए आप हडिंगे सर्कल, जिससे ये इंटरसेक्शन है 6 मेजर रोड का। आप यहां से पकड़िए बस जो लगभग आधे घंटे की जर्नी में, जो कि 15 से 20 किलोमीटर की है, आपको 25 से 30 रुपए में चामुंडेश्वरी देवी टेम्पल पहुंचा देगी। वहां लगभग एक नॉर्मल डे में आपके दर्शन आधे घंटे में हो जाने चाहिए। दशहरा का टाइम है तो यहां हम जब गए तो वहां पर 3 क्यू थी, एक फ्री दर्शन की, एक 20 रुपए प्राइस की और एक 100 रुपए प्राइस की। तो प्राइस में भी हमें लगभग 3 घंटे दर्शन करने में लग गए। Please enjoy some pictures and videos that we captured.
हमारा सेकंड डेस्टिनेशन आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम चामुंडेश्वरी देवी टेंपल बस से उत्तरी रास्ते में वहां पर आपको वैक्स म्यूजियम, चामराजेंद्र या मैसूर जू या मैसूर पैलेस या सैंड म्यूजियम रांझी लेक भी है। अपडेट फॉर सैंड म्यूजियम वहां पर एंट्री फीस ₹50 है एंड इट इज वर्थ टू गो। प्लीज एंजॉय सम पिक्चर्स एंड वीडियोस। To create a song, I don't.